सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि किसी भी प्रकार से यह व्यवस्था टूट जाए और जिस व्यवस्था को ये कहते हैं अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो उसका जो है वर्तमान में स्वरूप जो है ये जजमेंट है। देखिए सुप्रीम कोर्ट इज नॉट लॉ मेकिंग एजेंसी एट ऑल। सुप्रीम कोर्ट कोई कानून नहीं बना सकता, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी कानून बनाए हैं वो आरक्षण के विरोध में बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आरक्षण विरोधी चेहरा है वो तो कानून बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट लॉ मेकिंग एजेंसी इन इंडिया। लॉ मेकिंग एजेंसी इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओनली पार्लियामेंट विल मेक लॉज। ये जो डिसीजन है ये जुडिशियल नहीं है, ये डिसीजन जो है पॉलिटिकल है। अब आप ये कहें कि नहीं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अरे जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि चुनाव से पहले आपने इसमें आर्गुमेंट जो है वो कंक्लूड कर ली थी, और चुनाव के बाद में जब अनुसूचित जाति के बहुत प्रमुख पार्टियां हार गई उसके बाद आप इस डिसीजन को ले आते हैं। और दूसरी बात, अगर ये राजनीतिक नहीं है तो क्या कारण है इतने दिन तक आपने रोकने रखा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये सिर्फ आज संविधान के साथ छलावा कर रहा है। जिन लोगों को ये लगता है कि जो CGI है वो भगवान है, तो मैं खुल के करूंगा तेरे जुल्म की मुखाफलत। तू वक्त का तख्ता नशिया, कोई खुदा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है भारत में सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम है तो संविधान, सुप्रीम है तो पार्लियामेंट, और सुप्रीम है तो हमारे वो नुमाइंदे जो आज पार्लियामेंट में बैठे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे 131 सांसद हैं, ये बात सही है कि वो खुलकर नहीं बोलते, परंतु यह बात भी सही है चाहे नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन हो, कम से कम नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन तो है, पर आप कैसे ये मान सकते हैं कि वो राजनीति से ग्रसित नहीं होंगे? आप ये कैसे मान सकते हैं कि वो निष्पक्ष होकर अपना वर्डिंग देंगे? आप कैसे पूरे भारत के अंदर रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति का निदान कर सकते हो? आप ये देखिए कि जिस 341-342 के अंदर पार्लियामेंट एक उंगली नहीं लगा सकती, उसके अंदर इन्होंने जो ताकत है वो राज्य सरकारों को दे दी है। राज्य सरकारें कौन है जो सेंटर के अंदर में काम करेंगी? जब सेंटर के पास पावर नहीं है और आप राज्य को सौंप रहे हैं, क्या आप ये जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा? आप ये कहते हैं कि आपको शेड्यूल कास्ट के अंदर भी कैटेगराइजेशन चाहिए। अरे तो जो जनरल कैटेगरी का कैटेगराइजेशन क्यों नहीं करते आप? जो 50% आप लेके बैठे हो उसमें आप बताइए कि ब्राह्मण को इतने परसेंट मिलेंगे, क्षत्रियों को इतने परसेंट मिलेंगे, वैश्यों को इतने परसेंट मिलेंगे, शूद्रों को इतने परसेंट मिलेंगे, अल्पसंख्यकों को इतना परसेंट मिलेंगे। क्या ये भारत इन सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ 7 जजों का है? अब मैं आपको बताता हूं कि 7 जज कौन कौन। महामहिम अनुसूचित जाति के खुदा, जिनको लोगों ने सोचा कि बाबा साहब की तस्वीर लगा के इनसे बड़ा कोई काम नहीं कर रहा, माननीय श्री चंचूट साहब, जो कि खुद कॉलेजियम व्यवस्था से चुनकर आए हैं, जिन्हें जिनके अंदर कभी कैटेगराइजेशन ने का बात नहीं की, जिन्होंने कभी ये बात नहीं की मुस्लिम वर्ग आना चाहिए, सिख जैन पादरी ईसाई सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इस बेंच में वो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय चंचूट साहब। उसके अलावा थे आर पी गवई साहब जब इस मामले का निर्धारण कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि जिन्होंने एक बार रिजर्वेशन ले लिया उन्हें दोबारा नहीं लेना चाहिए, परंतु उन गवई साहब ने जिन्होंने कभी खुद डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया, उन्होंने क्या एक बात पूछी कि जो जातियां आज भी अनुसूचित जाति की जातियां जो अत्याचार से रही हैं, क्या उसका एकमात्र रास्ता ये है कि आप आरक्षण को सब कैटेगराइजेशन करके आप उनको न्याय दे देंगे? नहीं दे पाएंगे। दूसरे थे उसके अंदर बाला त्रिवेदी साहब। कई सालों बाद एक ऐसा जजमेंट आया जिस जजमेंट में बाला त्रिवेदी जी ने अपने आप को इस जजमेंट से बिल्कुल अलग रखा, और उन्होंने कहा कि ईवी चिनैया की जो 2004 की जजमेंट है वो जजमेंट बिल्कुल सही है। उसके अलावा इसके अंदर थे पंकज मित्तल साहब थे, मनोज मिश्रा साहब थे और सतीश चंद्रा साहब थे। अब ये देखिए कि जो 7 जजों की बेंच है उसके अंदर जो है 50% से ज्यादा जो है एक वर्ग के लोग। शेड्यूल कास्ट ने कभी आपसे डिमांड की कि हमें कैटेगराइजेशन या सब कैटेगराइजेशन कर दीजिए? शेड्यूल कास्ट के किस संस्था ने, किन लोगों ने आपसे ये कहा कि हम लोगों को जो है न्याय नहीं मिल रहा है? हम तो ये कह रहे हैं हम जाति से अत्याचार से पीड़ित है, और जो रिजर्वेशन है वो कहीं से कहीं भी आर्थिक आधार पर नहीं। आप ये देखिए TWS का जो गरीब है वो तो 7 लाख रुपए वाला है, अनुसूचित जाति का गरीब 3 लाख वाला है, जो साल के 3 लाख कमा रहा है। अब EWS का 7 लाख और अनुसूचित जाति का 3 लाख, तो इस प्रकार आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ राज्य जो है वो शेड्यूल कास्ट के अंदर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, परंतु उन्होंने एक बैरियर भी लगाया। वो बैरियर शायद आपको ना पता, उन्होंने बैरियर ये लगाया कि 100% आप किसी भी जाति को रिजर्वेशन नहीं दे सकते।
अब बिल्कुल सही, बहुत सारे लोग आज खुशियां मना रहे हैं, नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। नॉर्थ ईस्ट के कई इलाके जिसके अंदर अनुसूचित जनजाति के सिर्फ एक ही वर्ग के लोग रहते हैं, अब ये मानिए लड़ाई जो है अनुसूचित जाति की नहीं रही, लड़ाई हो गई है इन संसाधनों की, लड़ाई हो गई है जल जंगल जमीन की, लड़ाई हो गई है कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग जो पहाड़ों में रहते हैं, सपोज करिए एक एरिया में भील रहते हैं और वहां का 15% 7.5% का अगर रिजर्वेशन भील जाति को दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि अब जो है वो भील जाति को अब नहीं दोगे, जबकि वहां उनकी संख्या जो है 100% है। तो सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि किसी भी प्रकार से यह व्यवस्था टूट जाए और जिस व्यवस्था को यह कहते हैं अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो उसका जो है वर्तमान में स्वरूप जो है यह जजमेंट है। आप समझिए इस बात को कि यहां पर लड़ाई सिर्फ यह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, लड़ाई यह है कि यह राजनीतिक न्याय, राजनीतिक जो आपने जजमेंट दिया है, आप यह बताइए कि इंडिया गठबंधन जो सर पे संविधान और बाबा साहब को लेकर चलता था, किस इस इंडिया गठबंधन के घटक ने इसका विरोध किया? आप यह बताइए कि क्या इंडिया गठबंधन को ऐसी क्या मजबूरी थी कि कल जजमेंट आया है और आज इन्होंने हैदराबाद तेलंगाना में बोल दिया कि हम इसको लागू करेंगे? अरे अगर आप अनुसूचित जाति की सभी जातियों को न्याय देना चाहते हो तो वो जो बच्चे हैं उन्हें जनरल कैटेगरी के अंदर आप क्यों न्याय नहीं दे सकते? क्या कारण है कि जो समाज आज लड़ने को तैयार है आप उस समाज के विरोध में समाज को खड़ा कर रहे हो? सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, सवाल यह है कि कब तक ये 4 या 5 जज संविधान की दुहाई देखे। ये सुप्रीम कोर्ट इज नॉट लॉ मेकिंग एजेंसी एट ऑल। सुप्रीम कोर्ट कोई कानून नहीं बना सकता, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी कानून बनाए हैं वो आरक्षण के विरोध में बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आरक्षण विरोधी चेहरा है वो तो कानून बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट लॉ मेकिंग एजेंसी इन इंडिया। लॉ मेकिंग एजेंसी इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओनली पार्लियामेंट विल मेक लॉज। अब जब सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, मैं खुल के कह रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, चाहे राजनीतिक कारणों से हो चाहे सामाजिक कारण से हो, वो वक्त दूर नहीं जब हम सुप्रीम कोर्ट को इस जजमेंट के कारण घेरेंगे। वो दिन दूर नहीं जब काशीनाथ महाजन जैसी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास की थी और उसे वापस लिया था। और मैं अब आपको बता दूं कि रिजर्वेशन के मामले में जब सवाल पूछते हो कि लॉ मेकिंग एजेंसी, जब भारत के बहुसंख्यक पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विरोध में अगर कोई SC ST के विरोध में कोई भी जजमेंट लाता तो उसके खिलाफ ना केवल इम्पीचमेंट होगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्रिमिनल में भी हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह आधार माना है, जो पक्ष और विपक्ष के वकील थे जिन्होंने किताबों से और सरकारों से सीख के जो आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा उसके आधार को इन्होंने आधार माना। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई तथ्य नहीं था। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ भावनाओं में बहकर, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वकील जो है आरक्षण के विरोध में खड़े थे, उन वकीलों के दबाव में, राजनीतिक दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। आरक्षण का मतलब यह नहीं है कि मेरे पिताजी अगर चपरासी थे तो अब मुझे आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण का मतलब है जिनके बाप दादा पुरखे अंग्रेजों की गुलामी करते करते आज तक सुप्रीम कोर्ट में जज बनते आ रहे हैं, उनके खानदान में से कोई आरक्षण के आधार पर जज ना बने। आरक्षण का मतलब यह है कि जो फिल्मों में तुम इन्हें ढो रहे हो, जो ओलंपिक में तुम्हारी बुरी दर्दशा हो रही है, जो तुम जो बिजनेस में कब्जा करके बैठे हो, तो आरक्षण का मतलब आप लोगों ने सिर्फ सीमित कर दिया है कि जिसने एक बार नौकरी का फायदा ले लिया। बिल्कुल सही है, SC ST का आरक्षण थोड़ी है, मंदिर में 5,000 साल से आरक्षण है, जाति व्यवस्था का ये लाखों साल से आरक्षण बना रहे हैं। यह आरक्षण बना रहे हैं कि इन्होंने संबुगर्दन काट दिया, आज तक उसे सजा नहीं हुई, तो एक विशेषाधिकार के तहत आरक्षण था, एकलव्य का अंगूठा काट ले तो आरक्षण तब से चलता आ रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आरक्षण का सिर्फ रूपरेखा यह है कि सरकारी नौकरी वाले आरक्षण ले रहे हैं तो यह आरक्षण नहीं है। आपको समझना होगा कि यह जल जंगल जमीन हमारी है, ये संविधान हमारा है। तो अनुच्छेद 341 का क्या होगा? अब जब सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आया इसमें 341, 342, 16-4, 15-4 की कोई बात नहीं है। अनुच्छेद 341 जो पावर देता है वो पावर सिर्फ राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति कहता है कि जो शेड्यूल कास्ट लिस्ट है उसमें सिर्फ राष्ट्रपति अमेंड कर सकता है और पार्लियामेंट के बाद में राष्ट्रपति उसका जो है अप्रूव करेगा, और इसके अंदर सेंटर गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती। तो 341 तो आप छोड़ दीजिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इट वॉज डेमोलिश बाई दिस जजमेंट बाई द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सरकारें उस राज्य का जातीय जनगणना कराएंगे, जैसे कश्मीर का। आप ये देखिए कि कश्मीर के अंदर एक विशेष वर्ग विस्थापित हो जाता है तो वहां पे विस्थापन का पूरी दुनिया में दिखाया जाता है विस्थापित। लागू कैसे होगा ना ये फैसला?
नहीं, ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो सीनियर जो एडवोकेट है उन्होंने जो बोला हम उसको मान लेते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि अनुसूचित जाति का जो है शोषण कर रही है, परंतु जो गैर अनुसूचित जातियां गैर अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं वो अनुसूचित जाति जनजाति पर कोई भी अपराध या शोषण नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ढाकली और ढाकली बोल दिया। ऐसे पता पड़ेगा किस किसको आरक्षण नहीं, जिस जो 50 रुपए का जो इनकम एफिडेविट बना लेगा वो गरीब, वो अमीर, जैसे कि आज EWS में हुआ है। 7 लाख वाला जो है वो उनका गरीब है, हमारा 3 लाख वाला गरीब है। तो 50 रुपए का इनकम एफिडेविट ही पूरे संविधान के इस प्रावधान को निर्धारित करेगा, क्योंकि जब संविधान के अंदर सोशियो एजुकेशनली बैकवर्डनेस की बात है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो बैकवर्ड है उसे रिजर्वेशन मिला, आर्थिक नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हम 5-6 लोग ये मानते हैं कि नहीं, सोशियो एजुकेशनली बैकवर्डनेस इज नथिंग बट वाट एवर दी लर्नड काउंसिल्स ऑफ दी पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट आर आर्ग्यूइंग अगेंस्ट द रिजर्वेशन, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, नथिंग एल्स। नाइदर दे कंसीडर 341, नो 342, नो 15-4, नो 16-4, नाइदर एनी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नहीं, वो तो पहुंच ही रहा है आपका रिजर्वेशन खत्म करने के लिए, कोई भी मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट स्टे करता है। जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से के विरोध में जितने भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से निकलवाते हैं, आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान लेता है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है आज इस जजमेंट से बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट एक जातिवादी मानसिकता के तहत काम कर रहा है। मैं बिल्कुल सम्मान करता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अगर ये फैसला पार्लियामेंट के लिए लिया जाता। अब आप ये देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर लगभग 800 सांसद हैं, उन 800 सांसदों पे ये 8 लोग भारी पड़े। क्या ये हमारा संविधान का जो है मूलभूत ढांचा है, क्या ये मूल स्ट्रक्चर है? मैं जरूर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके डिसीजन का बिल्कुल मैं एडमायर करता, उसका समर्थन करता, अगर सुप्रीम कोर्ट यही सिद्धांत EVS में लागू करता। वो ये लागू करता है EVS में कि 5% जो है SC रहेंगे, ST रहेंगे, OBC रहेंगे, माइनॉरिटीज रहेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों जो है EWS में रहेंगे, तो मैं बिल्कुल सम्मान करता। दूसरी बात, आपको रिजर्वेशन के अंदर जो आपने डिवाइड किया है, क्या सुप्रीम कोर्ट को ये बात मालूम नहीं है? चाहे वो EV चन्नैया का जजमेंट हो, चाहे इंदिरा साहनी का जजमेंट हो, एक तरफ तो इंदिरा साहनी का जजमेंट जो कि फुल बेंच का जजमेंट था उसको भी इस मामले में जो है वो उल्टा कर दिया गया। दूसरी बात, सिंपल सवाल यह है, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है? चाहे ये 7 जज हो या 8 जज हो, क्या ये आज पार्लियामेंट से बड़े हैं? और जो भी लोग इस बारे में कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो न्याय संगत है, उन लोगों को संविधान को पढ़ने की या संविधान की बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंड। अब जो मूलभूत ढांचा है सुप्रीम कोर्ट ने वो बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट 5-6 लोग बैठते हैं, रात को कुछ डिसीजन करते हैं, सुबह वो छाप देते हैं। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? आप ये देखिए कि जिन लोगों को ये क्लासेस में डिवाइड करना चाहते हैं, उन लोगों का कोई भी प्रतिनिधि सुप्रीम कोर्ट के सामने था क्या? चमार, जाटव, वाल्मीकि, भंगी, धानुक और न जाने कितनी अनुसूचित जातियों के एडवोकेटों ने अपने समाज की जो पीड़ा है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, परंतु यहाँ तो ये बात हो गई कि भाई मीठा मीठा गप गप, फीका फीका थू थू सुप्रीम कोर्ट को जो आदेश हुआ ये आप देखिए।